अगर आपको थाईलैंड जैसा बीच गोवा में देखना है तो पालोलेम बीच आना पड़ेगा, क्योंकि पूरे गोवा में यह एक ऐसा बीच है जहां की डे लाइफ, सुंदरता, नाइट लाइफ दूसरे बीचों से लाख गुना अच्छी है। ये इस बीच का मेन एंट्रेंस है जैसा कि आप देख सकते हैं, और अभी मैं उस कॉर्नर में चलने वाला हूँ, वो कॉर्नर जो आपको दिख रहा है, तो वहाँ चल के मैं इस बीच की सुंदरता को दिखाने का प्रयास करता हूँ। वो जो सामने आइलैंड दिख रहा है वो मंकी आइलैंड था, और इस साइड अगर और आगे जाएंगे समुद्र के रास्ते तो मुझे बटरफ्लाई बीच मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पालोलेम बीच की पूरी जानकारी देता हूँ, और आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको इस बीच के बारे में जानना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये सामने जो लग्जरी हट्स दिख रही है ना, बहुत लग्जरी है, A to Z। अगर आप किसी भी इन हट्स में रुकोगे ना तो आपको थाईलैंड जैसी फीलिंग आने वाली है। और कॉस्ट की बात की जाए तो 300 to 400 रुपीज पर डे, पूरे गोवा में इससे सस्ती और अच्छी डील नहीं मिलेगी। यहाँ पर न केवल इंडियन बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, स्पेशली रशियन तो यहाँ पे हमेशा आके चिल्ड करके जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सुंदर बीच है जहाँ का ब्लू ग्रीनिश वाटर, वाइट सैंड बहुत ही अच्छी लगती है अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यह बीच क्यों फेमस है, तो मैं बताना चाहूँगा यह बीच इसलिए फेमस है क्योंकि एक लाइन से लगे हुए जो ये कोकोनट ट्रीज और पाम ट्रीज के जो पेड़ हैं, और वाइट सैंड है, ब्लू ग्रीनिश वाटर है, ये इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और यही रीजन है कि इस बीच पर बहुत अच्छी फोटोग्राफी और मूवी की शूटिंग करने लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत सारी साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग यहाँ पे होती है, और हिंदी मूवीज इसके साथ साथ इंटरनेशनल मूवीज की भी शूटिंग यहाँ पे होती है। तो यह है पालोलेम बीच, मेरे सामने आप देख रहे हैं बहुत सारी रशियन लेडी हुई हैं, 1, 2, 3, 4 और ऊपर उसमें बैठे ऊपर जो कैनोपी है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे रशियन लेडीज इंजॉय कर रही हैं, और ये वुडन कॉटेज और वुडन शेड, वुडन कैनोपी जिसे बोलते हैं सैक्स, आपको केवल यहीं पर मिलने वाली है। और कुछ लोग इसे गोवा का हनीमून बीच भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, एंड टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही किफ़ायती बीच है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सस्ता एंड अच्छा मिलेगा। अगर आप रियल गोवा की फीलिंग चाहते हैं तो इस बीच पर ज़रूर आएँ। यह बीच साउथ गोवा में स्थित है और कानकोना के अंतर्गत आता है, तो आपको इसे देखने के लिए साउथ गोवा आना पड़ेगा। और इसके पास ही फेमस एगोंडा बीच, मंकी आइलैंड और बटरफ्लाई बीच है, जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।